देखो जब तक संगठन का मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग गांव रोटी पीटी करने बैठे हैं, संगठन का मतलब हम अपने अधिकार की बात करने बैठे हैं और सम्मान की बात करने बैठे हैं और अस्तित्व की बात। परंपरा अपने परंपरागत तरीके से निवासरत रहते हुए अपने विकास, अपने संरक्षण, अपने अधिकार और सबसे बड़े अस्तित्व की बात करेगा। सभी आदिवासियों के मूल भाषा, चाहे गोंडी हो, हल्बी हो, उसको संरक्षण के लिए काम करेगा। सभी समाज के उनके मूल संस्कृति, हमारे तीन ही संस्कार होते हैं, जन्म मृत्यु, उसमें पारंपरिक तरीके से हो उसका ध्यान रखेंगे। क्योंकि मैं राष्ट्रीय जनता आयोग में APS रहा हूँ, हमारे समय में 4 जनजाति अपने आउट हो गए। राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन से आदमी को ST बनाया जाता है। आदिवासी कौन होता है? बहुत फर्क है, आदिवासी ST दोनों में फर्क है ना। ST मात्र शेड्यूल ट्राइब है, आदिवासी वो है जो अपने आप को परंपरागत मानते हुए प्रकृति के साथ संरक्षण में नीतियों में जीता है और हर वो मूल जो मूलता यहाँ का है वो आदिवासी कहलाता है। लेकिन आने वाली सरकार परिभाषाएं बदलती गई। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस जब हमने मनाना शुरू किया तो सरकारों ने मनाया। अब आज की वर्तमान सरकार कहता है कि यहाँ सबके सब मूलवासी हैं। तो जब हम ट्राइबल होते हैं, हमारे लिए अधिकार बनता है, तब तुम उनको अलग करते हो, लेकिन जब सम्मान का बात आएगा तो सब आदिवासी बन जाओगे। ये दोगलापन कहाँ से लाते हैं लोग भाई? परिभाषा जो दिया है राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन और देश के संविधान में हमारा अलग से परिभाषा, किसी और जात के लिए कोई परिभाषा नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेकिन आदिवासियों को 2-3 बार नोटिफाइड किया गया है, 266, 342। कौन जिताता है? वोट कौन देता है? और चुनाव कौन जीत के आता है? कौन जीत के आता है? धोखे मोह दिल्ली का पार्टी जीत के आता है। जिस दिन मिथक को दिमाग से नहीं निकालोगे आप धोखे मोह। ऐसे प्रत्याशी को चुना जाता है जो आपके लिए कहीं बोले ना और जिताते हो, क्योंकि वो दिल्ली का पार्टी का प्रत्याशी है। गलती किसकी? तो भुगत भी। 30 विधायक हैं विधानसभा में, एक दिन बैठ जाएगा 32% लागू, सेकंड हो जाएगा। होगा नहीं होगा? कब हुआ था याद आपको? 2012 में जब समाज ने आंदोलन के घेराव किया, रातों रात गजट आए थे यहाँ से, कोई विधानसभा नहीं बैठा था, कोई कैबिनेट था, ऑटोमेटिक गजट पास हो गया था राज्यपाल के नाम से। अब क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कांग्रेस काल के वो 30 विधायक गद्दार निकले और अभी भी 30 विधायक तो हमेशा रहेंगे आपके, 29 विधायक ना, सरकार किसी के रहे, वो कहाँ गए? कहीं नहीं दिख रहे हैं। नहीं, गद्दार हम बोल रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, 60% जनसंख्या, 63 यहां पर आदिवासियों का है, क्या आप विधायक नहीं चुन सकते? मूर्खों को राजा बनाओगे, गर्दन कटवाओगे, यही मैं करना चाहता हूं। संपदा से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ का विकास, नया राज्य बना तो सोचे थे विकास होगा, आज हम मारे जा रहे हैं विस्थापन के नाम से, हम मारे जा रहे हैं नक्सल के नाम से, हम मारे जा रहे हैं कोयला निकालने के नाम से। वाह रे अमीर धरती, गरीब आदिवासियों, आपका पतन निश्चित है। हम छोटे से भवन में बैठे हैं, प्रदेश के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, प्रभारी आए हैं, मात्र हम चंद लोग बैठे हैं। अभी कोई नेता आ जाए वही गद्दार तो लाइन लग जाता है माला पहनाने के लिए, जब से उनसे कुछ नहीं मिल रहा है ना। क्या आप विधायक को माला पहनाओगे तभी पेट भरेगा? सांसद को पहनाओगे तभी पेट भरेगा? मुख्यमंत्री जयकारा करोगे तभी नौकरी लगेगी? ये सब कहां से होता है? आप खेत में काम करते हो तो अनाज उगाते हो, आप पढ़ते लिखते हो तो आरक्षण के दम पे नसी होगा बताया गया है। लेकिन आजादी के बाद हम लोग पहले क्या थे? रांची में उरांव, भील, मध्य भारत में गोंड राजा, अरे खड़िया भी यहाँ राजा थे ना, थे ना। और आज आजादी के 75 साल बाद आप दलित आदिवासी मात्र रह गए। आपकी विकास का ठेका विधानसभा में लिया है, लोकसभा लिया, इतना विकास कर दिया आपका कि आप राजा से BPL राशन कार्ड धारी, स्कॉलरशिप, नून तेल नमक पाने वाला बन गए। इस प्रदेश का 32% ट्राइबल है,
60% एरिया शेड्यूल्ड है जहां पर देश को हम खनिज संपदा भेजते हैं, और उस अमीर धरती के गरीब आदिवासी आप हो। बार बार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री घोषणा करता है हम आदिवासी विकास करेंगे, तो हमारा बजट गया कहां? ये प्रश्न करना पड़ेगा। हमको उलझाया जाता है धर्म के नाम पे, हमको उलझाया जाता है आरक्षण के नाम पे, हमको उलझाया जाता है धार्मिक स्थल में हस्तक्षेप करके। क्या जो बड़े बड़े समुदाय का जसपुर में बड़े बिल्डिंग है, यहाँ के मूल निवासी है क्या? आप अपना जमीन बेच सकते हो क्या? सामान्य को बेच सकते हो? तो जब पूरा जमीन ट्राइबल था, शेड्यूल था, ये लोग कब मालिक बने यहाँ के? ये जो नगर पालिका नगर निगम ने जो तालाबंदी किया, क्या उसको अधिकार है? कैसे बंद कर दिया? ये मात्र आपको गुमराह किया जा रहा है। समाज आपस में बटे, लड़ते रहे, आगे बढ़ने का प्रयास न करे। और धन्य है वो मुखबधिर हमारे जनप्रतिनिधि जो हमारे नाम का टिकट पाते हैं, हमसे वोट पाते हैं और दोगलाई हमारे साथ करते हैं। यहाँ का महापौर उरांव समाज से, विधायक उरांव समाज से, और जिस जगह में पूजा करते गए वो बंद हो गया, उनके ना आंख से आंसू आया ना पीड़ा हुआ। वो समाज के हो ही नहीं सकते, वो मात्र आरक्षित वर्ग का लाभ लेने वाले लोलुप लोग हैं। फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, फ्रॉम द पीपुल, लोकतंत्र कहावत, व्यक्ति से, जनता से, जनता के लिए, जनता के द्वारा। चुनाव कौन जिताता है? वोट कौन देता है? और चुनाव कौन जीत के आता है? कौन जीत के आता है? तो कहीं मांगने से क्या मिलता है? क्या मिलता है? सम्मान मिलेगा। तो हमको ये सरकार दे दे के कभी चावल, कभी दाल, कभी चप्पल, कभी कभी सुने कि मारवाड़ी या बड़े व्यापारियों को सरकार देता, सुने कभी? लेकिन सच्चाई बताऊं, पूरे प्रदेश में जितना सब्सिडी आदिवासियों को मिलकर मिलता होगा वो लगभग एकाध रुपए जाते, उतना एक व्यापारी को एक उसके प्लांट में सब्सिडी मिलता है। उनका प्लांट कितने का होता है? 50-60 करोड़ से लेकर अरबों का। अगर बिजली में सब्सिडी मिला, सामान में सब्सिडी मिला, तो अरबों में जाता है, करोड़ों में जाता है। ऐसे हम बुद्धू बन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि वर्गीकरण करना चाहिए। हमारा भी आग्रह है सुप्रीम कोर्ट जी कि कुछ ही समुदाय के लोग अगर आगे बढ़ते जा रहे हैं नौकरी में, कुछ ही समुदाय के लोग सुप्रीम कोर्ट में अगर वकील क्या जज बनते जा रहे हैं, कुछ ही समुदाय के लोग व्यवसाय करते, तो आपके प्रणाली में कहीं ना कहीं धोखा है। चेक कीजिए कि आप जिस समुदाय को आगे बढ़ाना चाहते हो आज भी गरीब भिखारी क्यों है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, किसी संस्था को आरोप लगाने ज्यादा अच्छा है अपने आप को मजबूत करो। कभी सरदार या फिर मारवाड़ी समाज शासन से पैसा लेता नहीं, उनका भवन देखिए आप, वो खाली हाथ आए थे। जमीन हमारा, जनसंख्या हमारा, मेहनत हम, और उससे बड़ी बात ग्राहक भी हम हैं। और करोड़पति कौन बनता है? तो कहीं कहीं हम बना रहे हैं। तो हम एक साम्यक सोच में जा रहे हैं। लेकिन पहले क्या हो रहा है, अगर घर में पानी भरा, पानी निकालूं, अगर सामने डर है, डर करूं, तो पहले हम जो प्रशासन के द्वारा अनैतिक तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, दुर्भावनापूर्वक पदों का दुरुपयोग करते हुए जो डिपू बगीचा में जो ताला लगाया गया है, उसका हम घोर निंदा करते हैं इस जगह से। और जो भी उचित कदम होगा समाज उठाएगी, उग्र आंदोलन भी करेगी और न्यायपालिका में भी जाएगी। क्या इसके लिए समर्थन है?